सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गेमर रॉक्स डे। तो आज का वीडियो है Asus ROG Phone 2 के एंड्रॉइड 11 ऑफिशियल अपडेट के बारे में। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन में ओवर द एयर एंड मैनुअली दोनों प्रोसेस से। तो जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फोन में जो एंड्रॉइड 11 का OTA अपडेट है वो आ चुका है एंड ये वो सारे फीचर्स है जो आपको ROG Phone 2 के एंड्रॉइड 11 अपडेट में मिलने वाले हैं। एंड इसमें बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है, जैसे इसका यूजर इंटरफेस वगैरह फुल्ली ऑप्टिमाइज किया गया है नए ROG Phone के जैसे। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आपको OTA अपडेट नहीं आया है तो आप इसे मैन्युअली भी अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसके बस होम पेज पे आ जाना है, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आपको बस उस लिंक को खोलना है एंड इस पेज पे आप पहुंच जाएंगे। एंड उसके बाद आपको बस इसे डाउनलोड कर लेना है। एंड ये बिल्कुल यही रोम है जो मैं आपको अभी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं कि ये कोई दूसरा रोम नहीं है या कुछ फीचर इसमें मिसिंग नहीं है, ये वही रोम है। तो आपको यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। एंड डाउनलोड होने के बाद इसे कैसे इंस्टॉल करना है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है एंड उस वीडियो को आप यहाँ आई बटन पे जाके देख सकते हैं कि आपको ये रोम मैन्युअली इंस्टॉल कैसे करना है। तो चलिए चलते हैं अपने OTA अपडेट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फिर से चेकिंग ले रहा है एंड जैसे कि मैंने कहा था आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड मैच कर लीजिए कि ये है वही एग्जैक्ट अपडेट है कि नहीं। एंड डोंट वरी, इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि आपको इसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं एंड इसको होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो चलिए डाउनलोड होने के बाद मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए इस फोन को रिस्टार्ट करना पड़ता है, इसीलिए मुझे अपने स्क्रीन रिकॉर्डर से फोन कैमरा में स्विच होना पड़ेगा। तो चलिए स्विच हो जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो ROG Phone 2 है वो अपडेट हो रहा है एंड्रॉइड 11 में। एंड डोंट वरी, इस प्रोसेस को होने में थोड़ा टाइम लगता है एंड इसे अभी रिबूट करना होगा। एंड हो सकता है कि आपका फोन 2-3 बार रिबूट हो एंड क्योंकि ये बहुत बड़ा अपडेट है OS अपडेट, तो इसमें अक्सर 15 मिनट से 10 मिनट के बीच में टाइम लग जाता है। तो डोंट वरी, अगर आपका फोन स्टार्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है ये एक दो बार रिस्टार्ट हो जाए, ये प्रोसेस पूरी तरह से नेचुरल है, सो डोंट पैनिक। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है तो इसीलिए चलिए इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये फास्ट फॉरवर्ड होने के बावजूद बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है। तो डोंट वरी, अगर आपका फोन स्टार्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है, इट्स कम्प्लीटली नेचुरल। तो फाइनली हमारा बूट स्क्रीन आ चुका है एंड ये अभी भी इस फाइल को इंस्टॉल कर ही रहा है। एंड चलिए हमारा फोन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हमें मिल रहा है 1-handed मोड, तो इसे आप एक हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं। ये बस है कि आप जब नोटिफिकेशन पैनल को एक उंगली से ड्रैग करेंगे तो एकदम नीचे तक आ जाता है। एंड इसके अलावा इसमें आपको पिन नोटिफिकेशन का नया फीचर मिलता है। अक्सर हम नोटिफिकेशन को क्लियर कर देते हैं और हमारा जरूरी इन्फॉर्मेशन चला जाता है, तो यहाँ पे इसे पिन करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा अगर आप गलती से क्लियर बटन दबा दे तब भी। तो यहाँ में मैसेज आ चुका है सक्सेसफुल सिस्टम अपडेट, तो हमारा फोन जो है एंड्रॉइड 11 में अपडेट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके सारे जो आइकॉन्स है नोटिफिकेशन पैनल के वो रिन्यू हो चुके हैं एंड ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है, इसका लुक नए ROG Phone जैसा है। तो चलिए मैं इसका सेटिंग मेन्यू आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हम सेटिंग में एंड यहाँ पे सिस्टम, चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका कोई नेक्स्ट सिक्योरिटी पैच या अपडेट आ तो नहीं गया। तो लेट्स चेक इट, एंड नहीं, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है, इसके बाद कोई भी अपडेट अवेलेबल नहीं है। तो चलिए मैं आपको फोन का OS दिखा देता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंड्रॉइड 11 में अपडेट हो चुका है। तो इसके नए अपडेट के बारे में एक फुल वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको इसके यूजर इंटरफेस, इसके नए फीचर एंड बग्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो उस वीडियो पे अभी काम चल रहा है, तो मैं आपको उसका एक छोटा सा प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो ये मेरे नेक्स्ट वीडियो का प्रीव्यू है जिसपे मैं अभी काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं ROG Phone में आए हुए सारे चेंजेस के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें शामिल है इसका बैटरी की बैटरी में क्या क्या नए नए चेंजेस आए हैं, इसमें 2 कस्टम मोड भी है एंड उसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके डिस्प्ले सेटिंग्स में कौन से चेंजेस आए हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये थोड़ा अलग है पहले से एंड इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा सबसे मेन इम्पोर्टेंट ROG Phone का फीचर जो है इसका आर्मर क्रेट।
तो ये बहुत बड़ा अपडेट है आर्मर ग्रेड के लिए, क्योंकि इसमें आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनने मिलता है जो कांस्टेंट बजता रहता है, जो कि काफी अच्छा लगता है सुनने में। तो इन वीडियोस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, ये आने वाले हैं, तो उनको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब वो वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें एंड आप इसके एंड्रॉयड 11 अपडेट के बारे में हमेशा अपडेट रहें। एंड उसको टेस्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये अभी स्टेबल है इंस्टॉल करने के लिए या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।